हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटेल का डॉलर कार्ड या जमजम का डॉलर कार्ड किस तरह से रिचार्ज करते हैं। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, गल्फ कंट्री में रहने वाले लोग इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में बात करने के लिए ये डॉलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता कॉल पड़ता है। जैसे कि ये डच डॉलर जो सऊदी में 30 रियाल का मिलता है, जो लगभग इंडिया में 1300 से 1400 मिनट तक बात करवा देता है, या अगर बांग्लादेश का बात करें तो 700 से 800 मिनट तक इसमें बात हो जाता है। ये डॉलर आसानी से आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। अगर आप जो खारजी एरिया में जो शॉप रहता है, किसी भी वकाला में आपको मिल जाएगा, या अगर आप रियाद में बता में, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको आईटेल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर आप पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, या आप जमजम भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, 10 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं, तो ये मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको बैक आके डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो ये देखिए अनिर्दिष्ट टाइम कर दिए, या वाइल यूजिंग ऐप भी कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगे, यहाँ से अलाउ कर देना है, और कॉल मैनेज इस दोनों को अलाउ कर देना है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन आएगा, यहाँ ऑपरेटर कोड मांगेगा। तो जो आप डॉलर कार्ड खरीदेंगे उसके फ्रंट पर ही लिखा हुआ होगा, OPC करके लिखा होगा ऑपरेटर कोड, तो यहाँ डाल देना है आपको सेम। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए सेटिंग्स पर आपको आना है, इस तरह से ओपन होगा। तो देखिए ऊपर जो लिखा हुआ ऑपरेटर कोड, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वही जो कार्ड के फ्रंट पर लिखा हुआ था वो यहाँ डाल देना। उसके बाद यूज़र नेम, तो कार्ड के पीछे जो स्क्रैच करने वाला रहता है वहाँ दिया रहता है यूज़र नेम, और उसके बाद जो सेकंड में रहता है वो आपका पासवर्ड रहता है। देखिए जैसे मैं डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ, तो यूज़र नेम आपको सेम डाल देना, और पासवर्ड, और कॉलर आईडी में आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं 111 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये मैं सब कुछ डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही सेव पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऊपर में बैलेंस में $10 शो करने लगे, क्योंकि ये $10 का कार्ड था, $10 इंडिया में लगभग 1300 से 1400 मिनट बात करवाता है। अगर आपको कॉल किसी जगह जैसे इंडिया में करना है तो 91 करके जो भी नंबर है, जैसे 9835 कुछ भी, आपका 10 डिजिट का नंबर डाल देना। अगर ये बांग्लादेश में बात करते हैं तो उसमें लगता है 88 से स्टार्ट होता है। ये इसमें चेक किया, इस डॉलर में 1400 मिनट है। ये देखिए यहाँ $10 शो कर रहा है, ये रजिस्टर्ड भी शो हो गया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।